उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक पाकिस्तान में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमें विड्रा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा तरीका बता दो कि FFI ऐप के ऊपर हम जो है विड्रा कर सकें, अपने पैसे निकाल सकें। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान में वाहिद वेबसाइट या ऐप्स आप इसको कह सकते हैं जो लंबे टाइम तक चल रही थी। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये एक महीने से भी ज़्यादा के टाइम पर चल रही थी और लोगों को प्रॉफिट भी दे रही थी। लेकिन दोस्तों, आज ही वेबसाइट ने विड्रॉ देना बंद कर दिया। तकरीबन सुबह के टाइम से हमने भी थोड़ा वेट किया कि चलो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, विड्रॉ ना मिल रहा हो, लेकिन अभी तक अगर आप देखें 2 बजे का टाइम हो चुका है, विड्रॉ अभी तक भी नहीं मिला, काफ़ी यूज़र को नहीं मिला। अब दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि जिन लोगों का विड्रॉ के लिए पैसे पड़े हुए हैं, वो निकालना चाहते हैं, तो वो उनको मैं यही कहूँगा कि यार उन पैसों को आप भूल जाएँ। ठीक है, वो आपका विड्रॉ नहीं निकल सकेगा। ठीक है, इसमें से कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। जब वेबसाइट ज़्यादा अरसा चल जाती है तो उसके बाद जाके हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतनी देर तक हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी रिकवर नहीं हो पाती और हमारा सारा बैलेंस जो वो कट जाता है। और कुछ दोस्त तो हमारे ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया पड़ा था, वो सिर्फ इस लालच में बैठे हुए थे कि भाई 2000-3000 हो जाएगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे, तो उनके भी पैसे फंस चुके हैं। तो भाई ये आप वेबसाइट वापस नहीं आने वाली। इसी तरीके से और बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, कुछ टाइम चलेंगी और कुछ टाइम चलने के बाद बंद हो जाएगी। तमाम वेबसाइट के रिव्यू के लिए और जानने के लिए कि वेबसाइट कैसी है, स्कैम वाली है, जो भी चीज़ है, वो आपको सबकी सब टेक पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, तो लिहाजा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो भी न्यू वेबसाइट है या अपडेट वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आपने लाजमी चेकआउट करना है, उसको भी आपने लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट व्हाट्सएप के ऊपर भी मिलती रहे। तो हमें याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।